तीनों जो कलर्स हैं उसमें से जो मेटालिक ग्रे कलर है एस का भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज इस व्लॉग की शुरुआत इस हैरियर के यार्ड से मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा देखना था कि डार्क एडिशन का जो नया कलर है वो कितना ज़्यादा बेहतर है, और पीछे के अच्छे ग्लॉसी फिनिश में जिसका शॉर्ट्स में क्लोज बाय बहुत जल्दी डाल दूंगा। अभी फिलहाल जा रहे हैं भिलाई के लिए, और भिलाई में जो जो प्लान है उसका मैं आगे आपको बताता हूँ। तो भिलाई के अभी ईशान ऑटो वर्ल्ड में आए थे, और तीन कलर्स जो अभी शूट करने वाले उसको मैं हल्का सा ग्लैंस आपको दूंगा। फिलहाल तो R15S का भी आया है, अरे पीछे भी कुछ जो चमत्कारिक चीज हो रही है उसको दिखाता हूँ। तो गौर से देखिए, इस प्रकार की भी फोटो शूट चलती है। तीनों जो कलर्स हैं उसमें से जो मेटालिक ग्रे कलर है ये सामने वाला ऑप्शन, और ये भी एक ऑप्शन है R15 का वर्जन 3 में। अब S नाम से ये जो स्प्लिट सीट रहता था उसे एक साथ जोड़ दिया गया है। और दूसरा कलर जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें आप नोटिस करिएगा कि ये जो गोल्डन पोर्शन है इसमें साइड में और अलॉय व्हील के सेटअप में दिखता है। इसी के अलावा ब्लैक के चेंजिंग में रेड कलर मिलेगा, जो मैं अंदर शोरूम में अभी आपको दिखाता हूँ। और ये रहा तीसरा कलर, तीसरा कलर जो रेड फॉर्मेशन में आप देखिएगा, रेड ये कलर है जिसके अपर टोन में आपको FZS गोल्डन लिखा हुआ मिलता है। और ये रहा इसका सामने का अलॉय व्हील का सेटअप, ये भी गोल्डन फॉर्मेशन में ही दिया गया है। जो सिर्फ मेटालिक ग्रे कलर है उसमें आपको ब्लू कलर के अलॉय व्हील के सेटअप मिलते हैं। तो व्लॉग की एंडिंग करते हैं इस ओवरब्रिज से। भिलाई के जस्ट पावर हाउस के जस्ट बगल में अभी मैं आया था, और जिस व्हीकल का दर्शन करने आए थे वो ये है। ये है वो ग्रीन कलर की व्हीकल जिसके अभी शूटिंग के लिए अभी आए थे। कुछ ग्लैंस में ज़्यादा अट्रैक्शन आपको ग्लॉसी और मैट के फिनिश में मिलता है। और इसके अलावा दूसरा भी कलर था जो ब्लैक में भी है, जो शोरूम में मैं कभी जाऊंगा तो वो दिखा दूंगा। फिलहाल एक ग्लैंस में ये आपको कैसा लग रहा है मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए।